हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं NLP ट्रेनर और कोच भी हूँ। मैं बताने वाला हूँ आज गुस्से पर काबू कैसे करना सम्मोहन के माध्यम से। हर आदमी को गुस्सा आता है, अपना अपेक्षा भंग होना, अपेक्षा पूर्ति नहीं होना, या अपना जो ध्येय उद्दिष्ट है, जो एम है, वो पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा आता है या अपसेट हो जाता आदमी, या किसी के बारे में कुछ बोलना है और वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे पास में रख रहा हूँ, सीधी साफ बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर अपसेट हो जाता आदमी। और फिर अपसेट होने के बाद में फिर मतलब विचलित होता मन, और उसके बाद में फिर वो गुस्सा करता है। गुस्सा परिस्थिति में जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से होता है, या अपना इंटेंशन पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा आता है या अपसेट होता है। उसके बारे में काफ़ी सारी विधियाँ बताई गई है, बहुत सारी बातें बताई गई है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना, 2 गिलास पानी पीना, 1 से 10 तक गिनती करना, जो भी बताया है। मैं बताने वाला हूँ कि सम्मोहन के माध्यम से कैसे गुस्सा कम करना। तो जिनको जिनको गुस्सा आता है उन्होंने ये प्रक्रिया सम्मोहन की यदि वो रोज करते हैं तो उनका गुस्सा डेफिनेटली 100% कम हो जाएगा या बंद भी हो जाएगा। तो भी हम करते हैं चालू। तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको समझा के देता हूँ बातें। जो मैं शब्द बार 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 जिसका उच्चारण करूँगा वो शब्द है रिलैक्स। बार 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 मैं आपको बोलूँगा रिलैक्स करो, मतलब ढीला करो, पूरा बदन ढीला करना, रिलैक्स करना। फिर मैं बोलूँगा स्लीप, स्लीप मतलब सोना, मतलब आप गद्दी पर लेटे हैं ऐसी कल्पना करनी है। और मैं बोलूँगा डीप, डीप इसका मतलब गहरा। जब मैं डीप ऐसा बोलूँगा तब आप गहरी गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं ऐसी कल्पना करना है। और ये जब आप कल्पना करेंगे, मतलब जैसा रिलैक्स, स्लीप और डीप, ये ऐसा मैं बोलते जाऊँगा, आप वो सुनते जाएंगे और वैसा वैसा वो इमेजिनेशन करेंगे, तो आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जाएंगे। सम्मोहन अवस्था में जाने के बाद में होता क्या है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो बाजू में हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आता है और वो सजेस्टिबल है। सबकॉन्शियस माइंड वो सूचना लेने की स्थिति में आ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड को आपने जो भी सूचना दी, सजेशंस दिए, वो उसको स्वीकार कर लेता है और फिर अपने बिहेवियर में वो दिखता है, अपने बोलचाल में, चलन में, व्यवहार में दिखता है फिर वो। तो स्लीप, डीप और रिलैक्स मैं ऐसा बोलूँगा। बाद में फिर मैं 1 से 10 तक गिनती करवाऊँगा, और 1 से 10 तक गिनती कराने के बाद में आप और डीप डीप सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। फिर बाद में आपको मैं विजुअलाइज करने की बोलूँगा, इमेजिनेशन करने के लिए बोलूँगा, कल्पना करने के लिए बोलूँगा, चित्र तैयार करने के लिए बोलूँगा। तो जहाँ जहाँ आपको गुस्सा आता है ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट अभी आप निकालो कि जहाँ जहाँ आपको गुस्सा आता है ऐसी परिस्थिति कौन सी है जहाँ गुस्सा आता है, और फिर वो परिस्थिति में आपने ये देखना है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मतलब आप वहाँ खड़े हैं, आपके मन के खिलाफ कुछ तो भी हो रहा है, तभी भी आप शांत हैं, रिलैक्स हैं और उसको देख रहे शांति से। तो आपको ऐसी कल्पना करना है कि आप उसको देख रहे, आप लोग क्या बोल रहे हो सुन रहे, खुद क्या बोल रहे हो वहां सुन रहे, आपको कैसा फील हो रहा है वो फील कर रहे हैं, मतलब विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, VAK। तो ये जो 3 पॉइंट है, तो यहां से आपको खुद को विजुअलाइज करना है, और आप ये रोज करते हैं तो आप में फर्क हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो हाथ उंगलियां ऐसी एक दूसरे में डालना, हाथ पैर के ऊपर रखने का है, पंजे जो है वो पंजे ऐसे क्रॉस करो, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने की है, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो,
घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स करो, सिर रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा गया है और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। मैं अभी एक से दस तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, गो डीपर एंड डीपर, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का पालन करना है। वो सूचनाएं जो है उसके मुताबिक विजुअलाइज करना है, अपने खुद की इमेज, अपना खुद का चित्र, अपना खुद का पिक्चर, आंखों के सामने अपने आप को देखना है। वो परिस्थिति में आप है वैसी कल्पना करना है। आपको भी कल्पना करनी है कि आपके मन के खिलाफ कुछ व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति का ख्याल करो। वो घर की व्यक्ति होंगी, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, भाई बहन, जो भी कोई है, कोई भी घटना का ख्याल करो, याद करो। वो कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, पूरा सुनो। उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, वो देखो। आप अपने आप को फील करो, आपको कैसा लग रहा है। वो जो भी बोल रहा है बोल रहा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है। आपका कंट्रोल, आपका रिमोट उसके हाथ में नहीं है,
आपका रिमोट आपके हाथ में है, आप एकदम रिलैक्स है, आराम से है बैठे हुए और आराम से उसको सुन रहे हैं। गुस्से वाली बात वो कर रहा है, मगर वो बात है, वो गुस्से वाली नहीं है, वो बात कर रहा है और आप शांति से सुन रहे हो। आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने सुन लिया, समझ लिया और उसको ओके बोला, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आपने उसको अच्छा सुन लिया, पूरा रिलैक्स करो। और दूसरी सिचुएशन अभी इमेजिन करो कि यहां आपकी अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई, जो आपको चाहिए था, जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, वहां आपको बहुत अपसेट आ गया या वहां गुस्सा आ गया, वहां भी आप उसको शांति से फेस कर रहे, आराम से रिलैक्स 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 होके फेस करे, वो कल्पना करनी है। अपना मकसद पूरा नहीं हुआ और तभी भी आप शांति से खड़े हो, रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स। बहुत अच्छा, बढ़िया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। भी आप और कोई सिचुएशन एक आधी कल्पना करो कि जहाँ आपको गुस्सा आता है, कोई आपके मन को खिलाफ बोलता है, कोई आपका इंसल्ट कर देता है, किसने आपका अपमान कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, किसने आपको नीचा बताया, आपको गुस्सा आ गया। कल्पना करो कि आप वहाँ खड़े हो वो व्यक्ति के साथ में, वहाँ एकदम रिलैक्स है। अपने आप को इमेजिन करो, आपने कौन से कपड़े पहने हो देखो, सामने वाले ने कौन से कपड़े पहने वो देखो, सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनो, आप उसको क्या बोल रहे हो वो सुनो। हालांकि आपने तो कुछ बोलना ही नहीं है, आपने सिर्फ सुनने का है, रिलैक्स होके सुनने का है और आप रिलैक्स होके सुन रहे हो। आपको जो भी फील हो रहा है वो फील हो रहा है, वो फील करो, मगर आप एकदम रिलैक्स, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आपका गुस्सा दिन ब दिन कम होते जा रहा है, आपका गुस्सा दिन ब दिन कम होते जा रहा है, आपका गुस्सा दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अपने आप को देखो, बहुत शांति आ गई है, बहुत रिलैक्स, बहुत ज़्यादा फ्रीडम। आपका गुस्सा दिन ब दिन कम होते जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आप तो आजकल गुस्सा ही नहीं होते, अपसेट नहीं होते, विचलित नहीं होते, क्योंकि आपने ये पक्का मन में ठान लिया है कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में है, मेरा रिमोट लोगों के पास में नहीं है। वेरी गुड, आपका गुस्सा कम कम होते जा रहा है, दिन ब दिन कम कम होते जा रहा है, आपको बहुत ही फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको एक कल्पना करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक बड़े बलून में बैठे हो, बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल। वो बलून को एक खिड़की है, बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल आप बलून में बैठे हो। बलून के बाहर और दूसरा दिलीप खड़ा है, वही आप है, मगर वो ऐसा दिलीप है कि वो एकदम आइडियल है, आदर्श है, कि जैसा होना आप चाहते हो कि मेरे को वैसा होना है, बहुत ठंडा दिमाग का, बहुत रिलैक्स, बहुत आइडियल, वो खड़ा है। वो अभी वो खिड़की से अंदर आ रहा है, बलून में आ गया और आपके शरीर में वो पूरा अंदर एक रूप हो गया। अभी आप नया दिलीप हो, पुराना दिलीप चले गया, नया दिलीप हो जिसको गुस्सा कम आता है, जिसको मन को अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रीडम है, मुक्त जीवन है, शक्तिशाली जीवन जी रहा है और एकदम शांति का जीवन, बहुत ही रिलैक्स्ड, वंडरफुल। तो वो अभी दिलीप तैयार हो चुका है, नया दिलीप, ट्रांसफॉर्म दिलीप।
मैं एक दो तीन बोलूँगा, तीन बोलते ही एक और ज़्यादा एंथुजियाज्म आप में आएगा, और ज़्यादा मन शांति आपके दिमाग में आएंगी, बहुत ही ज़्यादा आप जैसा चाहिए वैसा हो जाएंगे। एक, दो और तीन, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। नया दिलीप आप बन चुके हो। अभी मैं तीन से एक तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोहनावस्था धीरे धीरे खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएंगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत ही एंथुजियास्टिक लगेगा। तीन, दो और एक, उठो जाग जाओ, आंखें खोलो। तो इस तरह की प्रक्रिया हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 4 बार करनी है। मैं बोलता हूँ कि 1000 बार टोटल करो तो आपके स्वभाव में बदल आ जाएगा, मगर सिर्फ बात करने से होगा नहीं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, अचेतन मन को बातचीत नहीं समझती, उसको चित्र समझता है। तो जब हम बातचीत करते, सूचना देते, तो विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, पिक्चर तैयार करना जरूरी है। तो ऐसे रोज 4 बार करो, आपका गुस्सा डेफिनेटली कम हो जाएगा, आप एक शांत स्वभाव के इंसान बन जाएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको चिंता नहीं होगी, आप निराश और हताश होने से बच जाएंगे, आपको जो छोटी छोटी बात में बात के ऊपर टेंशन आता है, गुस्सा आता है, बहुत टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, विचलित हो जाते, वो वैसे आप होंगे नहीं, बहुत एक शांत दिमाग के व्यक्ति आप बनेंगे। निराश और हताश तो आपके आसपास में भी घूमेंगे नहीं, निराशता और हताश होना या चिंता। आपने वीडियो देख लिया, बहुत अच्छा है। आपके संपर्क में आने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि जो गुस्सा करते होंगे, चिड़चिड़ करते होंगे, अपसेट होते होंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर लोग होते हैं गुस्सा, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो। वो लोग यदि प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत बड़ा फर्क उनके जीवन में हो जाएगा। लोग समझते हैं कि मैं क्या पागल थोड़ी हूँ, तो पागल लोगों के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो है नहीं। मैं सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं हूँ, साइकियाट्रिस्ट मतलब कोई पागल व्यक्ति का डॉक्टर नहीं है सिर्फ, बाकी भी बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती है उसका मैं डॉक्टर हूँ। उसके साथ साथ मेरा ये भी मकसद है कि पूरे देश में, हमारे देश में मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य निर्माण करना, तैयार करना, हर एक इंसान जो है जिसको मानसिक बीमारी उसका इलाज करना, हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो अफेक्टेड है, उसको पावरफुल बनाना, उसकी क्षमता बढ़ाना, वो मेरा मकसद है काम करने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, आप खुद सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी काफ़ी सारी वीडियो जो है वो भी आती रहेंगी, उसके आपको नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप सब्सक्राइब करो, उसके बाद में एक बेल बटन आता है उसको भी फिर हिट करो, तो आपको हर वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।